जय जवान जय किसान, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारे साथ पत्रकार बंधु से भी डटे हुए हैं। मेरे साथ हैं गुरत्यान सिंह जी पटेड़ी, दिलवाग सिंह जी आजाद किसान यूनियन से, मलकीत सिंह जी हैं किसान मजदूर मोर्चा से, और मैं बीकेयू शहीद भगत सिंह से तेजवीर सिंह। आपके साथ जो जानकारी साझी करनी है कि कल 6 मार्च को पूरे देश से किसान दिल्ली जंतर मंतर की तरफ कूच करेंगे शांतमय ढंग से, और हमारे पास उसकी जानकारी आना शुरू हो गई है कि मध्य प्रदेश से किसानों ने, राजस्थान से किसानों ने और बिहार से किसानों ने चलने के लिए तैयारी कमर कसे कस लिए हैं, और वो शुरू हो चुका है। हमारा ये आह्वान है कि किसान मजदूर की जो लड़ाई है MSP खरीद गारंटी कानून की, इसके लिए हम आह्वान करते हैं कि ये देश की जो लूट हो रही है उसको बचाने के लिए पूरे देश के छात्र संगठन, महिला संगठन, सामाजिक संगठन, जितनी डॉक्टर एसोसिएशनें हैं, जितने एडवोकेट एसोसिएशन, बार काउंसिलें हैं, उनका समर्थन हमें लगातार जारी है। हम अनुरोध करते हैं कि आपके क्षेत्र में जो भी आप किसी भी दल से, किसी भी संगठन से हो, तो आप अपने नज़दीकी किसान संगठन से संपर्क करके इस लड़ाई में हमारा साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली की तरफ कूच करें। एक विशेष जानकारी आपको देनी है कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी को हनन करने के लिए सरकार ने कल भी बहुत से हमारे पत्रकार साथियों के भी ट्विटर हैंडल को बंद कर दिया गया है, जो एक लोकतांत्रिक देश के अंदर नहीं होना चाहिए। 4th स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता को हमारे देश के अंदर। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि अभी भी ट्विटर हैंडल और जो फेसबुक पेज हैं उनको बंद किया जा रहा है, कुछ चैनलों को नोटिफिकेशन किया जा रहा है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। सरकार अपने किसानों मजदूरों की आवाज़ सुनने की जगह, आदिवासियों की आवाज़ सुनने की जगह, सरकारें तोड़ने और जो घोर अपराध हैं कि जैसे, मतलब कि जितनी घटनाएं देश में घट रही हैं, तो देश का जो माहौल है वो बहुत ही चिंताजनक है। आम जनता को हर से सवाल करना चाहिए कि जितने राजनीतिक दल हैं कि वो अभी क्या सोच रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं। ऐसा माहौल बना दिया गया है कि कोई भी राजनीतिक दल के अंदर कोई भी नेता होता है वो जाकर BJP में सम्मिलित हो जाए। ये जनता से सवाल है कि जनता को उनसे सवाल करना चाहिए, जनता पूछे कि लोकतांत्रिक देश है, ढांचा कहाँ जा रहा है। और कल का जो दिल्ली कूच का कार्यक्रम है वो निश्चय ही एक बड़ा कार्यक्रम होगा, और आगे की जो जानकारी है हमारे दिलवाग सिंह जी आपको देंगे। धन्यवाद भाई सारे का। मैं दिलवाग सिंह हरीगढ़। एक तो यह कि प्रधान जी ने गलबात साझी की है, एक अज साडे मोर्चे के 6 किसान शहीद हो चुके हैं। शहीद गुरजंट सिंह का अज जिहड़ा शहीदी समागम सी, ते इहदे नाल ही एक सानू मोर SKM वालों चिट्ठी आई सी। उह चिट्ठी का जवाब है जिहड़ा साडे फोरम वालों असीं सुचजे ढंग दे नाल तैयार कीता है, तो वो संबंध के साड़ी जी लीडरशिप है वो अज खनौरी बार्डर के उत्ते पहुंची है, तो दुए फोरम की सलाहवाली उस चिट्ठी का SKM का चिट्ठी भी जी आई तो जवाब दिता जाऊगा। असं चाहते हाँ दिलों ये गल कि जिनी देर तक असं सारे इकट्ठे नहीं होंगे असं वड्डी जित प्राप्त नहीं कर सकते। इस करके मतलब जिहड़ियां गल्लां बातां फैलाईयां जा रही मीडिया के कि फलाना फोरम नहीं मनता जां SKM नहीं मनता, वह निराधार है, क्योंकि घट तो घट पंजाब ते हरियाणा दे विच जिन्नियां क जथेबंदियां लोक पक्षी है संघर्ष कर रही हैं, उन्हां दी दिली तमन्ना यही है कि असीं इकट्ठे होकर संघर्ष करिए, ते साडे फोरम वल्लों भी यही है कि इकट्ठे होकर संघर्ष करिए, जिहदा मतलब SKM नूं असीं मोड़वां जवाब भी दित्ता है, ते असीं आस भी रखांगे, क्योंकि लोक पक्षी गल्लां साडे खेतीबाड़ी सैक्टर नूं बचाउण दीआं गल्लां इहदे उत्ते SKM कदे भी उह मतलब इस तरह की नहीं गल करनगे जिहड़ा हाँ पक्षी हुंगारा ना होवे। ते असीं भी हाँ पक्षी हुंगारे वल वधिआ, ते सानू आस है भी आने वाले समय के संघर्ष होर वड्डा ते विशाल होगा जी। तो मैं हुण बेनती करदा सर, मलकीत सिंह जी बैठे है, गुरत्यान सिंह जी पटेड़ी बैठे है, ये गल करते हाँ जी। देखो जिहड़ा मोर्चा आ उह चढ़दी कला वल वधदा जा रहा, जिवें किसान मजदूर कुदरती आफतां पै रहीआं नाल नाल, जिवें औले काकड़े काफ़ी नुकसान हो रहा, पर उहदे बावजूद भी जिहड़े किसान मजदूर ने उह मोर्चिआं विच लगातार वधदे जा रहे ने। उहदी उदाहरण जिवें ताज़ा आपां लंगरां वल देख सकते हाँ, जिहड़ा तीजा मोर्चा साडा तीजा बॉर्डर आ, उह तीजे बॉर्डर भी वड्डी गिणती विच लोक पहुँच चुके ने, क्योंकि हले परसों ही उहदा ऐलान होया सी, उह मोर्चे वड्डी गिणती विच लोक पहुँच चुके ने। बाकी जिहड़ी साडी अगली 10 तारीख की कॉल आ भी 12 बजे तो लेकर 4 बजे तक ट्रेनों का पूरे भारत में आ, ਉਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ
लोग राजधानी वाल वध रहे हैं और सानू जिवें पिछों खबर आ रही वड्डी गिणती लोग चल चुके हैं, तैयारी वड्डी आ, बहुत बड़ा इकट्ठ होगा जंतर मंतर चौंक में, पर हुण देखना है भी सरकार साडे नाल किहड़े तरीके नाल चलती आ, क्योंकि सरकार ने जिन्ना तसद दा हुण तक करिया लोगों पर बंबबारी करी आ, जिहड़ा डर दा माहौल पैदा करिया और माहौल के बावजूद भी लोग वड्डी गिणती विच दिल्ली वाल चले पा रहे हैं। एक विशेष जानकारी है कि जैसा कि आप सबको मालूम है कि हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के साथ साथ लगातार जनता के प्रेशर के बाद चंडीगढ़ जो हाईवे है वो खोल दिया गया है, पर लेकिन सरकार का वही तंत्र जो ड्रोन यहां पर हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले गिरा रहे हैं, जो सैटेलाइट से हमारी तस्वीरें उतारी जा रही हैं, वो कहीं पर कहीं गायब हैं। जब रोहतक के अंदर ओलावृष्टि होती है, बारिश से हज़ारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है, ओलावृष्टि से बहुत सी फसल बर्बाद हो चुकी है, वो हरियाणा और पंजाब के अंदर वो ड्रोन वो सेंटर सरकार के सैटेलाइट काम करना बंद कर देते हैं। तो ये दिखाता है कि सरकार की जो नीतियां हैं और जो सरकार का तानाशाह रवैया है वो सिर्फ किसानों और मजदूरों पर आंसू गैस के गोले चलाने के लिए और उनके हकों को दबाने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग होता है। और कहीं ना कहीं मैं मीडिया से साथियों से अनुरोध करता हूँ कि आप ग्राउंड जीरो पर जाकर अभी भी हरियाणा के हालात, अंबाला के हालातों का जायजा लें कि वो जो उनकी कार्रवाई है, जो तानाशाह रवैया है, वो अभी भी जारी है। और हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए, उनकी भरपाई की जाए और आगे के लिए जो कॉल एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा से होगी उस पर सभी देश के सभी संगठन पूरी तरह से पहरेदारी दें और उसको पूरा करने के लिए और किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए हमारा साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, मैंने अभी आपके माध्यम से मुझे पता चला है कि 152 डी खोल दिया गया है, लेकिन आप ये देखिए कि कल हमारे साथी राशन की ट्रैली लेकर आ रहे थे, कुछ ट्रैलियाँ हैं जो रैन बसेरों के लिए हम पंजाब की तरफ आ रहे, उनके पीछे पुलिस लगती है, तो ये कहाँ का भाई, ये दोगली नीति है, ये सरकार के और जनता के प्रेशर के बाद ये रास्ते खोले जा रहे हैं। तो चंडीगढ़ का रास्ता खोलने के लिए सरकार को लगभग 24 घंटे से ऊपर का समय लग चुका है, तो ये दिखाता है कि किसानों ने चंडीगढ़ रोड नहीं रोका था, प्रशासन ने खुद रोड रोका था, तो ये बात स्पष्ट होती है। कल का जो पैदल पूछ है, शंभू बॉर्डर या खनौरी बॉर्डर से भी रहेगा या नहीं? खनौरी बॉर्डर से, हरियाणा पंजाब के किसान खनौरी बॉर्डर से या शंभू बॉर्डर से या डब वाली बॉर्डर से कहीं भी कूच नहीं करेंगे। पूरे देश का किसान कूच करेगा और जो हरियाणा के धरने हैं उनको मजबूत करेगा और यहाँ पर संख्या बढ़ाने का कार्य करेगा।